आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे ब्लैंक है जो फिल करना है हमें क्या गिवन है पी क्यू आर एंड एस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम देन हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की सो क्लियरली यहां पे हम क्या करते हैं कि पहले एक पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं नाउ हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे ठीक है सो यहाँ पे ये P Q R S नो P के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है टू कॉमा फोर क्यू के जीरो कॉमा थ्री एंड R के थ्री कॉमा सिक्स एंड S के a कॉमा बी जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया सिमिलरली हम यहाँ पे भी एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो के जो डाइगनल हैं, वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ठीक है बाइसेक्ट करते हैं, that means, जो वो करते हैं that means, हमने ये लेट कर पॉइंट ओ है एंड then ओ इज तो क्लियरली यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं दैट इज ओ इज the पॉइंट ऑफ बोथ ऑफ बोथ लाइन्स दैट इज वो टाइगनल पी आर एंड एस क्यू ठीक है सो मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं सपोज हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन ठीक है ये ए पॉइंट है एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स टू एंड वाई टू एंड यहाँ पे कोई सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास एक्स वाई सो बाय मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई एक्स वन X2, X1 plus X2 divided by 2, and Y coordinate एंड is this दैट इज दिस हम कैसे find करते हैं दैट इज Y1 plus Y2 divided by 2. So सो इसका यूज़ करके अगर हम O P R के थ्रू देखें तो P R से हमारे पास O जो मिड पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सपोज इसके coordinate हम यहाँ पे एलेक्ट कर लेते हैं दैट इज M comma N. ठीक है सो देखो P R की लाइन से अगर हम देखेंगे PR line है, तो इससे हमारा जो पॉइंट है दैट इज लाइन से जो हमारा ओ पॉइंट है एक्स वाला कोऑर्डिनेट, तो दैट इज इसका पी और आर देख रहे हैं तो टू प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू ये हो जाएगा एंड क्लियरली एन कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएगा दैट इज फोर प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई टू ठीक है फोर प्लस डिवाइडेड बाई टू एंड इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो टू टू प्लस थ्री दैट इज फाइव डिवाइडेड बाई टू एंड एन हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा सिक्स प्लस फोर टेन डिवाइडेड बाई टू क्लियरली फाइव नाउ एस क्यू से देखें तो हमारे पास एम हम क्या आ जाएगा एस क्यू से दैट इज यहाँ से ए प्लस जीरो डिवाइडेड बाई टू ठीक है एंड एन कोऑर्डिनेट अगेन क्या आ जाएगा एस क्यू लाइन से दैट इज सिक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाय टू क्योंकि वो दोनों ही का मिड पॉइंट है ठीक है so, सो एम की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? डिवाइडेड बाई टू सॉरी एस जो कॉर्डिनेट है वो ए कॉमा बी है नॉट सिक्स ठीक है so, सो यहाँ पे ये यह हमारे पास कॉर्डिनेट क्या है बी तो एन की वैल्यू एज इट इज रहेगी बी प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू अब अगर हम कंपेयर कर सकते हैं ये भी एम की वैल्यू है ये भी एम की वैल्यू है इक्वेट कर सकते हैं दैट इज़ फाइव बाई टू इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बाई टू के इक्वल एंड यहाँ से एन की वैल्यू इक्वल रख सकते हैं दैट इज़ फाइव किसके इक्वल आ जाएगा बी प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू के इक्वल सो टू से टू कैंसिल दैट इज ए इज़ इक्वल्स टू फाइव एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी प्लस थ्री टू फाइव टेन एंड बी इज इक्वल टू टेन माइनस थ्री दैट इज सेवन के इक्वल ठीक है ए प्लस बी सो ए की है तो पे ये हमारा आ गया so, वैल्यून so, so, से लेकर नीट आई आई टी चाहिए मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटा या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर